और इस वक्त की सीधे बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां मुस्लिम लड़की से शादी पर बदमाशों का गदर देखने को मिला। हिंदू लड़के के घर पर तोड़फोड़ और पथराव किया गया। असलाहों से लैस बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। तनाव को देखते हुए इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई। सराय काले खां की ये वारदात जो तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आई वो हिंदुस्तान आपके सामने रख रहा है। दरअसल गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कुछ और लोगों की तलाश कर रही है। दिल्ली से ये तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से बदमाशों ने एक युवक के घर पर तोड़फोड़ किया। नागवार गुजरा के उसने मुस्लिम लड़की से शादी की। युवक का जो धर्म था वो हिंदू था और मुस्लिम लड़की से उसने शादी की है, तो क्या हिंदुओं को लव मैरिज का हक नहीं है? ये सवाल। लव मैरिज पर जिहाद आखिरकार क्यों? क्योंकि इसने उस लड़की के साथ शादी कर ली है। इस रिश्ते को उसने नाम भी दिया, लेकिन ये नागवार गुजरा इन लोगों को जो इस तरीके की मानसिकता और सोच को बढ़ावा देते हैं समाज में, और उनकी ये तस्वीर गुंडागर्दी की इस वक्त देख रहे हैं आप। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सराय काले खां में हुई हिंसा से जुड़ी खबर जहां पीड़ित की मां का जी हिंदुस्तान पर बड़ा बयान सामने आया। हमारे लड़के को मारने का प्लान था, पीड़ित की मां ने कहा जी हिंदुस्तान पर। पीड़ित की मां हिंदू होने की वजह से ये हमला किया गया, ये कहती नजर आई। पीड़ित की मां ने कहा कि हम लोग घर में नहीं थे इसीलिए बचे, अगर घर पे होते तो हमारी जान भी नहीं बच पाती। पीड़ित की मां दूसरे मजहब की लड़की से शादी की सजा मिली है, ये भी कहा इन्होंने। दूसरे मजहब की थी इस वजह से इन लोगों को नागवार गुजरा, अगर घर पे होते तो हमारी हत्या कर दी जाती, हम बचते नहीं। दिल्ली के सुमित ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की अपनी मनमर्जी से। उसके बाद आलम यह हुआ कि लड़की के परिवार वालों ने पूरे मोहल्ले में तोड़फोड़ कर दी और खून की होली खेलने की धमकी दे दी। इस वक्त सुमित की माता हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। मारने तो हम ही आए थे, वो तो मोहल्ले पे गुस्सा उतार दिया। अगर हम होते तो हम तो मर ही जाते। हमने बोला अगर आपकी लड़की जाती है तो ले जाओ। लड़की ने कहा जी मैं नहीं जानती अपने घर वालों को, मेरे मम्मी पापा ये हैं। लड़की ने सारे साफ सब बयान करा, उनकी तरफ से तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर पता नहीं इन लोगों का क्या हुआ, इतनों को जो इन्होंने ऐसा करा। शादी कर ली, कोर्ट से शादी हुई है, आर्य समाज से शादी हुई है, सारे काम सब हुए। पुलिस ने खुद सिक्योरिटी पूरी हमें दी है, उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। हिंदू होने की गलती है ये? हाँ जी, बस ये गलती। अब ये हमारी लड़कियों को ले जाते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि गरीब आदमी है। हमारी पिछली गली से 2 लड़की गई है, और भी लड़की, एक उनकी लड़की आ गई तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और फिर भी ये धमकी दे रहे कि अगर यहाँ आ गए तो हम छोड़ोगे नहीं उन्हें। ये एक माँ का दर्द है। इनका कहना है कि हिंदू होने की गलती है कि जब उनके धर्म से हिंदुओं की लड़कियां ले जाया जाती है तब किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा को अंजाम नहीं देते, लेकिन जब एक लड़की हिंदू धर्म में आई तो उन्होंने पूरी कॉलोनी को बर्बाद करके रख दिया। और हितेन इस वक्त सराय काले खां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस पूरी घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। हितेन, ये दिल्ली में गुंडा राज चल रहा है, वही सरकार जो हर एक मामले को हाईलाइट करती है, आज दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो चुप्पी साधे हुए है। एक्शन के नाम पर क्या कुछ हुआ जरा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लड़की के भाई समेत उसके 3 अन्य साथियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। अन्य 10 से 12 लोगों की तलाश जो है वो दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। देखिए इसी गली के अंदर वो पूरा मोहल्ला जो है, पूरी कॉलोनी बसी हुई है, जहाँ थोड़ी देर में दिल्ली बीजेपी के जो SC मोर्चा के जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पहुँचेंगे, पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार जो है वो दलित परिवार है, और कहीं ना कहीं एक गलती उनके परिवार की, उनकी ये परिवार का ये कहना है कि उनके बेटे की सिर्फ गलती ये थी कि उसने मुसलमान लड़की से जो है वो प्यार किया और उससे शादी कर ली। हालांकि लड़की जो है वो अपनी मनमर्जी से लड़के के साथ भागी थी, उसने शादी की, कोर्ट में शादी की है, उसके बाद आर्य समाज के मंदिर में शादी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जोर जबरदस्ती लड़के की तरफ से नहीं की गई थी, लड़की और लड़का दोनों राजी थे, शादी हुई है बाकायदा आर्य समाज में, और कोर्ट में भी फिर भी ऐसे जिहादियों को ये नागवार जाहिर से बात है गुजरेगा। सराय काले खां में इधर हिंसा जो हुई उसको लेकर स्थानीय लोगों ने जी हिंदुस्तान पर बड़ा खुलासा किया है। सराय काले खां में हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा, खून की होली खेलने आए थे ये स्थानीय लोग कह रहे हैं। 40 से 50 लोगों ने हमला किया था इनके घर पे, स्थानीय निवासी ये कह रहे हैं। हथियारों से लैस होकर के लोग आए हुए थे और लड़की के परिजनों ने लड़के के घर पर हमला कर दिया था। जब उनके
धर्म से हिंदुओं की लड़कियां ले जाया जाती है तब किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा को अंजाम नहीं देते, लेकिन जब एक लड़की हिंदू धर्म में आई तो उन्होंने पूरी कॉलोनी को बर्बाद करके रख दिया। सुमित के दोस्त भी है, बचपन से आप लोग सब साथ में रहे हो, लेकिन कभी इसके पहले ऐसा कुछ हुआ है? इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये क्यों हुआ अचानक ऐसा? यहाँ पर एकदम से घुस गए, यहाँ पर हमला कर दिया। 20-25 लोग थे यहाँ पर, लेडीज थी, वो तो डर के मारे निकल गए यहाँ से। अपने आप को बचाव के लिए वो एकदम से निकले, जातिवाद का विरोध करने लग गए, गालियां दी खूब लेडीजों को, खूब गंदी गंदी। यहाँ पर लड़कियां भी थी उनको भी गाली दी, घरों के अंदर घुस रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, कूलर तोड़े, बाइकें तोड़ी, जिसकी जो मिला सब तोड़ा, ईंटें बरसाई यहाँ पर, चाकू तलवार जो भी थे उनके हाथ में सब मारे यहाँ पर सब। एक लेडीज ने धमकी दी थी खून की होली खेलेगी। महिलाएं भी थी? हाँ महिलाएं थी, एक उनके फादर का नाम है, क्या नाम है, सुलेमान, और उस लेडीज का नाम है सबाना। उन्होंने ये धमकी दी थी और वो उनके साथ ही थी जब ये विरोध हो रहा था। ये महिला कौन, लड़की की माँ है? ये महिला उनकी वही की है, पड़ोस की है, मतलब घर के पास की। उनके हाथों में मौजे भी थी, तलवार भी थी, छुरी भी थी, चापड़ भी थे, सब चीज थी उनके पास में। 85 आदमी थे और हमारे मोहल्ले में 10 लड़के थे, वो क्या करते, उनके पास औजार सारे थे, हमारे पास कुछ भी औजार नहीं थे। आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, यही वो गली थी और साथ में पीछे वाली गली। इन दोनों गलियों में करीबन 50 से अधिक लोगों ने अपने हाथों में हथियारों के साथ ये तोड़फोड़ की थी। जितनी गाड़ियां लगी हुई थी वो सब तोड़ी थी और उसके बाद अब यहाँ पर सुरक्षा में ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जो धमकी दी गई थी कि खून की होली खेली जाएगी, उसके बाद फिर एक बार कुछ हिंसा इस गली में ना घटे इसलिए पुलिस ने अब मुस्तैदी दिखाई है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें लड़की का भाई और उसके कुछ साथी गिरफ्तार हुए। बाकी लोगों की तेजी से गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी जो है तेजी से काम करती नजर आ रही है, ताकि जितने लोग सीसीटीवी में दिखते नजर आ रहे हैं उन सबकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, ताकि इस गली में जो खौफ अभी फैला हुआ है वो खौफ खत्म हो और लोग फिर एक बार पहले की तरह अमन और चैन से रहना शुरू कर दें। दिल्ली से कैमरा पर्सन नीलेश केमकर के साथ हितेन मिताली, जिंदगी। हितेन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हितेन, कानून व्यवस्था को तो लेकर सवाल है ही, सवाल इस बात को लेकर भी है कि वो लोग कहां गायब हो गए। जब लव जिहाद को लेकर कानून बनता है तो वो लव मैरिज को बहुत ज्यादा पैरोकारी उसकी करते हैं, वो कहते हैं लव मैरिज जिंदा रहना चाहिए, प्यार जिंदा रहना चाहिए, लेकिन अब वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल, देखिए इन सभी लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़ा होता है कि जब जब मतलब किसी मुस्लिम समुदाय के ऊपर अगर कुछ आंच आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा एक वर्ग इस देश के अंदर है कि वो पूरी तरह खुलकर जो है वो सरकार पर हमला करता नजर आता है। लेकिन जब जब इस दिल्ली में या फिर देश में कहीं भी अगर हिंदू समाज के किसी परिवार के किसी व्यक्ति के साथ अगर कुछ घटना होती है तो वो सभी के सभी लोग जो है वो मौन धारण कर लेते हैं। इसलिए मौन धारण कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि उनका जो वोट बैंक है वो खिसक ना जाए। बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दा चाहे कोई भी हो, मौका चाहे कोई भी हो, अगर वहां पर वोट बैंक की राजनीति ऊपर होती नजर आएगी तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो चेहरे आ जाएंगे सड़क पे संग्राम करने, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधे रखेंगे क्योंकि ये मामला समाज से जुड़ा है और ये सही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें हिंदुस्तान पर लगातार जारी।